सो इस वीडियो में आप जानोगे आई केव के स्विचिंग के बारे में और आप जानोगे कुछ कूल ऑप्शंस के बारे में एंड आप जानोगे पीएच खोज टूल को कैसे इस्तेमाल करते हैं। अरे जब्बा बाबा जी का ठल्लू। सो इसके लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है कैरेक्टर एंड इस कैरेक्टर का जो लेफ्ट हैंड है इसको हम करेंगे आई केव के स्विच। तो 15 फ्रेम पर आपको कुछ इस तरह का हेडफोन्स देखने को मिलेगा एंड ये हेड आपको आईके में देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मैं 1 फ्रेम पर जाऊं तो आप यहां पर देख सकते हो ये हेडफोन्स कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा एंड ये एफके पर देखने को मिलेगा। तो बेसिकली इसे ही कहते हैं आईके एफके स्विच। और मैंने यहाँ पर ज्यादा कुछ करके नहीं रखा, सिर्फ हेडफोन्स क्रिएट किया एंड यहाँ पर मैंने दे दिया है की एंड यहाँ पर IKF के स्विच कंट्रोल को किया है मैंने सिलेक्ट एंड 1 फ्रेम पर मैंने रखा है FK पर एंड 15 फ्रेम पर रखा है मैंने कंट्रोल को IK पर। सो बेसिकली 1 से 15 के अंदर ही हो रहा है IKF के स्विच। अब दिक्कत यह है कि अगर मैं 7 फ्रेम पर जाऊं तो आप देख सकते हैं ये हैंड थोड़ा सा छोटा हो रहा है और ऐसे कई तरह के प्रॉब्लम आपको देखने पड़ सकते हैं अगर आपने IKF के कंट्रोल को अगर मैच नहीं कराया है तो। सो अगर मैं 1 फ्रेम पर जाऊं एंड यहां पर मैं IKF के स्विच कंट्रोल को करूं सिलेक्ट जस्ट लाइक दैट एंड यहां पर अगर करूं मैं 0 एंड करता हूं इंटर तो आप देख सकते हो ये जो IK हैंड कंट्रोल है ये FK हैंड कंट्रोल के साथ बिल्कुल मैच नहीं है और यही वजह है कि ये हैंड छोटा हो रहा है। और इस तरह के कई प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेंगे IKF के स्विचिंग में। सो इस प्रॉब्लम को हम करेंगे फिक्स और फिक्स करने के लिए हम IKF के कंट्रोल को करेंगे मैच। सो इसके लिए मैं यहाँ पर जाऊँगा FK पर। सो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा 1 एंड करूँगा इंटर। सो FK पर आने के बाद हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे लोकेटर। सो इसके लिए मैं यहाँ पर स्पेस बार क्लिक करूँगा एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्रिएट ऑप्शन। सो इस पर करना है क्लिक एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लोकेटर। सो सिंपल इस पर करना है क्लिक एंड ये लोकेटर हो जाएगा क्रिएट। अब मैं इस कंट्रोल को करूँगा सेलेक्ट, होल्ड शिफ्ट करूँगा एंड इसको कर लूँगा सेलेक्ट जस्ट लाइक दैट। सो अब मैं यहाँ पर इस्तेमाल करने वाला हूँ एक कूल ऑप्शन जो कि माया में इन बिल्ड आता है। सो इसके लिए मैं यहाँ पर प्रेस करूँगा स्पेस बार एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मॉडिफायर। सो इस पर करना है क्लिक एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मैच ट्रांसफॉर्मेशन एंड यहाँ पर देखने को मिलेगा एक मेनू। सो मैं इस मेनू को निकालूंगा बाहर एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मैच ट्रांसफॉर्मेशन। सो इसके डायलॉग बॉक्स के ऊपर करना है क्लिक एंड ये डायलॉग बॉक्स हो जाएगा ओपन। सबसे पहले मैं यहाँ पर कर लूँगा रीसेट। तो अब यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा मैच बाउंड्री बॉक्स साइज। सो इसको कर लेना है और बेसिकली ये क्या करता है इस लोकेटर को इस कंट्रोल के साइज का कर देगा। मैं यहाँ पर करूँगा अप्लाई एंड अप्लाई करने के बाद ये लोकेटर आ जाएगा इस हैंड पोजीशन पर एंड आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। सो अब मैं इस मेनू को कर दूंगा बंद एंड मैं चाहता हूँ कि आई के कंट्रोल के साथ मैं एग्जैक्ट एफ के कंट्रोल को करूँ मैच। सो इसके लिए मैं यहाँ पर इस्तेमाल करने वाला हूँ बी एच खोज टूल का और आप लोकेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपका बी एच खोज टूल नहीं है तो। सो इसके लिए मैं यहाँ पर ओपन करूँगा आउटलाइनर को एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इस कैरेक्टर का रिग बंडल। इसके अंदर ही है सारे रिग ज्योमेट्री वगैरह। सो मैं अपने होल्ड शिफ्ट करूँगा एंड करूँगा इस पर क्लिक। सो ये ओपन हो जाएगा एंड इन ज्योमेट्री को मैं कर लूँगा सेलेक्ट एंड ओपन करूँगा बी एच खोज टूल का एंड बी एच खोज टूल ओपन होने के बाद आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा एंड यहाँ पर देखने को मिलेगा कलर्स। सो मैं कलर लूँगा ब्लू एंड आप सेकेंड कलर भी ले सकते हो एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे मोड्स और इसके नीचे आपको देखने को मिलेंगे मैच ऑप्शन। सो यहाँ पर करूँगा मैं क्लिक एंड यहाँ पर हो जाएंगे सारे मैच एंड यहाँ पर इन दोनों ऑप्शन के थ्रू आप किसी भी मैच को डिलीट कर सकते हो। यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे 3 बटन। सो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा फेस यानी कि विजिबिलिटी। अगर इस पर क्लिक करोगे तो ये अनविजिबल हो जाएगा, दोबारा क्लिक करोगे तो विजिबल देखने को मिलेगा एंड बूस्ट देखने को मिलेगा 1 फ्रेम के अंदर जो आप बूस्ट क्रिएट करोगे उसको डिलीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब बूस्ट ऑल का मतलब है जितने भी घोस्ट आपने क्रिएट किए हैं वो सारे डिलीट हो जाएंगे।
एंड इसके नीचे आपको देखने को मिलेगा विजिबिलिटी रेडियस, जिसको कम और बढ़ा के आप विजिबिलिटी बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा होस्ट ऑप्शन, उस पर करूँगा क्लिक एंड मेरा जो होस्ट है वो हो जाएगा क्रिएट। एंड कुछ इस तरह का देखने को मिल रहा है, सो मैं इस विजिबिलिटी को बढ़ाता हूँ एंड लाइक दिस। सो ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब मैं इस ज्योमेट्री को कर दूँगा अनसेलेक्ट एंड हाइलाइनर को कर दूँगा बंद, तो आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। अब मैं यहाँ पर स्विच करूँगा आई के पर, सो मैं आई के पे स्विच कंट्रोल को करूँगा सिलेक्ट एंड सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर प्रेस करूँगा जीरो एंड कर दूँगा एंटर। सो ये स्विच हो गया है आई के पर। अब मैं क्या करूँगा, इस आई के कंट्रोल को करूँगा सिलेक्ट एंड इस लोकेटर को करूँगा सिलेक्ट जस्ट लाइक दैट। एंड यहाँ पर फिर से ओपन करूँगा मैच ऑल ट्रांसफॉर्मेशन मेनू, तो मैं यहाँ पर करूँगा ऑल शिफ्ट F5 और ये मेरा मेनू निकल के आ जाएगा। अब इस बार क्या करूँगा, मैं स्केल को कर दूँगा ऑफ एंड यहाँ पर करूँगा फ्लाई। सो ये जो हैंड था ये इस लोकेटर के पास आ जाएगा। बेसिकली हमने क्या किया, एफ के कंट्रोल का जो वैल्यू था उस वैल्यू को हमने इस लोकेटर के अंदर डाला एंड इस लोकेटर का जो वैल्यू था इस आई के हैंडल के अंदर हमने डाल दिया। एंड अब आप यहाँ पर देख सकते हो थोड़ा सा मिसमैच है, तो इसको मैं कर लूँगा ठीक। सो इसके लिए मैं यहाँ पर करूँगा रोटेट, सो प्रेस करूँगा ई एंड करूँगा रोटेट जस्ट लाइक दैट। सो अब मैं यहाँ पर एल्बो को भी कर लूँगा फिक्स, सो मैं एल्बो कंट्रोल को करूँगा सिलेक्ट एंड यहाँ पर प्रेस करूँगा W एंड कर लूँगा इसको सेट जस्ट लाइक दैट एंड प्रेस क्यू टू कंफर्म ऑपरेशन एंड आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। सो अब मैं यहाँ पर स्विच करने वाला हूँ एफ के पर, सो मैं यहाँ पर आई के एफ के स्विच कंट्रोल को करूँगा सिलेक्ट एंड यहाँ पर प्रेस करूँगा 1 एंड करूँगा इंटर। सो अब मैं यहाँ पर चेक कर लूँगा आई के एफ के स्विचिंग किस तरह से हो रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा काम कर रहा है और इसी तरीके से मैंने 15 फ्रेम पर IKF के कंट्रोल को कर लिया था मैच, सो इसलिए आपको इतना स्मूथ IKF के स्विच देखने को मिला। एनीवेज अब दिक्कत ये होता है कि जब आपको मान लीजिए कि 7 फ्रेम में 8 फ्रेम में आपको ब्रेक डाउन डालना है या हैंड को थोड़ा सा करना है मूव, तो ऐसे में अगर आप यहाँ पर देखो ना तो ये आई के पर है और ना ही ये एफ के पर है, सो ऐसे में ब्रेक डाउन डालना बहुत मुश्किल हो जाता है या हैंड को बीच में मूव कराना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो ऐसे में हम मैं क्या करता हूँ और ज़्यादातर एनिमेटर क्या करता है कि एक फ्रेम के अंदर की आई के एफ के स्विचिंग कर लेते हैं। मैं क्या करूँगा, मैं इस आई के एफ के स्विच कंट्रोल को करूँगा सिलेक्ट एंड इस आई के एफ के स्विच की को ले आऊँगा बीच पर लाइक 7 फ्रेम पर एंड मैं इस की को सिलेक्ट करता हूँ ले आऊँगा बीच पर। अब मान लीजिए कि आपको बीच में 8 फ्रेम में ब्रेक डाउन डालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि 8 फ्रेम से पहले आपको ये आई के एफ के स्विच करवा लेना पड़ेगा या तो 8 फ्रेम के बाद में आई के एफ के स्विच कराना पड़ेगा। अगर आप जहाँ पे ब्रेक डाउन देना चाहते हो इस हैंड का, उसी जगह पे अगर आप आई के एफ के स्विचिंग रखोगे तो आप कभी भी ब्रेक डाउन या उस जगह पे कोई मूवमेंट दे नहीं पाओगे, सो इस बात का बहुत ध्यान रखना है। सो मैं जैसा कर रहा हूँ ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एग्जैक्ट फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाओ काम आए। सो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक फ्रेम के अंदर ये आई के एफ के स्विचिंग हो रहा है एंड आई के एफ के स्विचिंग ये काफ़ी अच्छा हो रहा है आप देख सकते हो, लेकिन यहाँ पर जो आर्क है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, सो इसको करना पड़ेगा ठीक्स। इसको अच्छे से दिखाने के लिए मैं यहाँ पर क्रिएट करूँगा एक मोशन टेल, सो मैं यहाँ पर जाऊँगा विजुलाइज एंड क्रिएट करूँगा मोशन टेल एंड आप यहाँ पर देख सकते हो कि किस तरह से ये आर्क जा रहा है। सो इस आर्क को करना पड़ेगा फिक्स, सो मैं फटाफट से कर लेता हूँ फिक्स एंड मिलते हैं।
सो मैंने यहाँ पर आर्म को कर लिया है फिक्स, एंड फिक्स करने के बाद आपको कुछ इस तरह का आर्म देखने को मिलेगा, नाइस एंड क्लीन। तो अब अगर मैं आई केफ की स्विचिंग करता हूँ तो आपको कुछ इस तरह का नाइस एंड क्लीन आई केफ के स्विच देखने को मिलेगा। सो कई बार क्या होता है कि कम स्पेस के चलते और अच्छे से आई केफ की स्विचिंग करने के बावजूद भी थोड़ा बहुत ग्लिचिंग रह जाता है। सो उसको ठीक करने के लिए मैं यहाँ पर इस्तेमाल करता हूँ आई केफ के स्विचिंग की, और इसके लिए मैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड आई के हैंडल को करूंगा सिलेक्ट, और ये आई के हैंडल बेसिकली एल्बो के पास ही होता है। सो इसलिए मैं इस एल्बो को करूंगा सिलेक्ट, एंड यहाँ पर आउटलाइनों को करूंगा ओपन, एंड इस रिग बंडल को करूंगा ओपन, एंड यहाँ पर करूंगा राइट क्लिक, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो सिलेक्ट रिवील ऑप्शन। सो इस पर करना है क्लिक, एंड यहाँ पर यह रिवील हो जाएगा, और मैं इसके आस पास ढूंढता हूँ ये आई के हैंडल कंट्रोल। सो काफी देर ढूंढने के बाद मुझे मिल गया है, एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लेफ्ट आर्म एल्बो ट्विस्ट आई के हैंडल। सो मैं इस हैंडल को करूंगा सेलेक्ट, एंड सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर जाऊंगा 10 फ्रेम पर, एंड मैं इस आई के हैंडल को कर लूंगा सेलेक्ट, होल्ड शिफ्ट एंड क्लिक करना है, सेलेक्ट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर क्रिएट कर लूंगा एक क्विक सिलेक्शन सेट, जिससे कि मुझे बार बार ढूंढना ना पड़े ये, और बार बार सिलेक्शन ना करना पड़े। तो प्रेस करूंगा ऑल शिफ्ट क्यू टू क्विक सिलेक्शन सेट, एंड यहाँ पर मैं करूंगा ऐड टू सेल्फ, तो ये ऐड हो जाएगा सेल्फ में। अब मैं इस आउटलाइनर को कर दूंगा बंद। सो अब हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे आई केफ के स्विच की। सो इसके लिए मैं यहाँ पर स्पेस बार क्लिक करूंगा, एंड यहाँ पर जाऊंगा की, एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आई केफ के कीज। सो मैं इस मेनू को निकाल लूंगा बाहर, एंड यहाँ पर मैं जाऊंगा सिल्क फ्रेम पर। एक्चुअली हाँ, मेक श्योर कर लेना है कि ये सिलेक्टेड हो वो दोनों। सो यहाँ पर 7 पर मैं दूंगा एक की, एंड की देने के बाद अब मैं यहाँ पर जाऊंगा 9 फ्रेम पर, एंड यहाँ पर मैं दूंगा एक की जस्ट लाइक दैट। एंड की देने के बाद आप देख सकते हो आई केफ के स्विच और भी स्मूथ हो गया है। सो बेसिकली आई केफ के स्विच की क्या करता है कि आई केफ के स्विच जो हो रहा है उसको और भी स्मूथ बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, एंड ये एक अलग ग्राफ बनाता है जिससे कि आई के एफ के स्विच बढ़िया तरीके से हो। सो अगर मैं यहाँ पर सिर्फ आई के हैंडल को मैं करता हूँ सिलेक्ट, वेयर आर यू, हाँ यहाँ पर सिर्फ मैं आई के हैंडल को मैं करता हूँ सिलेक्ट, तो आप यहाँ पर देख सकते हो आई के प्लान, एंड यहाँ पर देख सकते हो ये ग्राफ। सो ये ग्राफ माया तैयार करता है जिससे कि आपका आई केफ के स्विचिंग बड़े आराम से हो सके। सो इसको मैं एक्चुअली कर लूँगा ऑटो पर, जिससे कि और भी नाइस एंड क्लीन देखने को मिले। सो मैं इस ग्राफ एडिटर को कर दूंगा बंद, एंड आउटलाइनर को भी कर दूंगा बंद, एंड यहाँ पर मैं और एक चीज़ बता देता हूँ। इसके नीचे आपको देखने को मिलेगा इनबिल्ट आई केफ सॉल्वर। ये बेसिकली क्या करता है, जब आप आई केफ के स्विच की लगाते हो तो जहाँ पर लगाते हो यानी कि जहाँ पर एक के है वहाँ पर लगाओगे तो ऑफ रखना है, और ऑन भी कर सकते हो ये जरूरत के हिसाब से। एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये आई के इनेबल सॉल्वर ऑन होता हुआ। सिर्फ यहीं पर नहीं, इनेबल आई के सॉल्वर आपको हेड्स अप डिस्प्ले में देखने को मिलेगा यहाँ पर, एंड चैनल बॉक्स पे देखने को मिलेगा आई के ब्लेंड नाम से, एंड यहाँ पर भी आई के ब्लेंड नाम से ही देखने को मिलेगा। अगर आप इसको ऑन नहीं करोगे तो ये आई के हैंडल मूव नहीं करेगा, इस बात का बहुत ध्यान रखना है जब आप आई के पे स्विच हो जाओगे तब। सो इस वीडियो में इतना ही, देखते रहिए देखो CGI 3D का दीवाना।